तीन और महत्वपूर्ण विषय हैं जो ड्रोन सुरक्षा, जो मिशन सुरक्षा के अंतर्गत हैं। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अवैध आग्नेयास्त्र और कारतूसों के विरुद्ध, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर समाज में अवैध आग्नेयास्त्र और कारतूस उपलब्ध नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वायलेंट घटनाओं में कमी होगी। मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करना, अवैध हथियारों का निर्माण करना, तस्करी करना, संचालन करना, बेचना, रखना, सभी प्रकार के जो अपराध हैं हमारे, उन सभी के तहत हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से कारतूसों पर जो उनका संचालन है, किस तरह से कारतूस दुष्प्रयोग किए जाते हैं, गन लाइसेंसेस की जो दुकान है वहाँ का भी हम लोग जाँच कराएंगे। जो लाइसेंसधारी हैं उनके स्तर से अगर कहीं पर कारतूसों की दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, या कहीं पर उनके द्वारा गड़बड़ी हो रही है, तो उसको भी हम लोग निगरानी में रखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था कि सर हथियारों पर बिहार पुलिस ने उल्लेखनीय कार्रवाई की है, कारतूसों पर, तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करें। तो इस प्रकार से अवैध आग्नेयास्त्र और कारतूसों के विरुद्ध कार्रवाई हमारा एक नया कंपोनेंट होगा। उसके अलावा नशीले पदार्थ जो सभी तरह के मादक द्रव्य, शराब, नशीले पदार्थ, उनकी तस्करी, क्रय विक्रय, निर्माण, भंडारण, उपयोग, इन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। इनके इलीगल ट्रेड के जो नेटवर्क हैं और जो सप्लाई चेन है उसको भी पहचान कर हम ध्वस्त करेंगे। जैसा कि आप लोगों को हम हमेशा बताते आए हैं, बिहार पुलिस का फोकस रहा है कि अंतर्राज्यीय बड़े तस्कर, खासकर शराब में जो हैं, उनको हम लोग राज्य के बाहर जाके गिरफ्तार करें। वर्ष 2023 में हमारी बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। कुल शराब बरामदगी हमारी पिछले वर्ष से बढ़ी है और गिरफ्तारी कम हुई है। अनावश्यक छोटी मोटी गिरफ्तारी को तो अब कानूनता ही समाप्त कर दिया गया है। उनको फाइन लेकर के हम लोगों को उनके विरुद्ध में कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी है। उसके अलावा भी गिरफ्तारी में कमी होने के बावजूद अधिक शराब बरामद हुई है। इसका अर्थ है कि बड़े बड़े शराब माफियाओं पर हम लोगों ने कार्रवाई की। तो ये ट्रेंड हम लोग 2024 में रखेंगे। मिशन सुरक्षा कंपोनेंट में ये महत्वपूर्ण हमारा अवयव होगा। अंतिम एक महत्वपूर्ण अवयव है जो मिशन सुरक्षा के अंतर्गत है, वो है जन सहयोग के लिए अपराध कर्मियों पर कार्रवाई। यानी जनता के सहयोग से किस तरीके से हम अपराध कर्मियों पर कार्रवाई करेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी नई पुरस्कार नीति घोषित हो गई है। जहाँ पिछली पुरस्कार नीति जो वर्ष 2011 की थी उसमें 50,000 रुपये तक का इनाम घोषित करने की पावर पुलिस महानिदेशक को थी, अब उसे बढ़ाकर के 3,00,000 रुपये तक की इनाम घोषित करने की राशि पुलिस महानिदेशक को दे दी गई है। और पहले SP को 5,000 रुपये तक के पुरस्कार घोषित करने की राशि थी, उसको बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। रेंज IG और DIG को 50,000 रुपये तक का इनाम और ADG ऑपरेशन को 1,00,000 रुपये तक का इनाम घोषित करने की पावर दे दी गई। तो इस नई पुरस्कार नीति में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपराधियों की सूचना देते समय और उनकी गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पब्लिक को भी अब हम ये पुरस्कार देंगे। पब्लिक जो अच्छा काम कर रही है, जो सूचना दे रही है जिससे अपराधी गिरफ्तार होने, तो उनको भी हम रिवॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से अपराध पर कार्रवाई के लिए जन सहयोग भी हम लोग लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार पुलिस के द्वारा पूरे देश में संभवतः पहली बार 14432 एक कोड नंबर जारी कर दिया गया। उस कोड नंबर पर कोई भी व्यक्ति अपराध कर्मियों की गुप्त सूचनाएं दे सकते हैं। इस प्रकार से अपराध कर्मियों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी नीति है। उसके अलावा एक तीसरा महत्वपूर्ण काम हम लोग ये कर रहे हैं ऑपरेशन सुरक्षा के अंतर्गत, मिशन सुरक्षा के अंतर्गत, कि राज्य स्तर पर जो चिन्हित अपराध कर्मी हैं, जिला स्तर पर जो चिन्हित अपराध कर्मी हैं, उनकी सूची बनाकर जो गिरफ्तार नहीं हो पाए, जो गिरफ्तार हो गए उनका सूची से नाम हटा दिया जाएगा, जो गिरफ्तार नहीं हुए उनका फोटो इत्यादि विवरण प्राप्त कर हम पुलिस के वेबसाइट और सोशल मीडिया पर डाल देंगे, जिससे कि अपराध कर्मियों की जानकारी हर नागरिक तक हो। और जैसा कि आपने मिशन सुरक्षा के पहले पार्ट में हमने आपको कहा था कि गांव-गांव पुलिस जाएगी, तो गांव-गांव पुलिस जाएगी, वहां पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेंगे,
हर गांव हर नेटवर्क के व्हाट्सएप पर उस इलाके के जो अपराधकर्मी हैं उनकी फ़ोटो, उनका विवरण, उस पर कितना इनाम घोषित है इत्यादि हम डाल देंगे। तो गांव से जो हमको सूचनाएं मिलेंगी वो गोपनीय, उसमें नंबर भी देंगे, इस नंबर पर आप सूचना दीजिए, अपराधकर्मी पकड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उन आपके इनाम देंगे। कुल मिलाकर के जन